ये अलग बात है कि मेरे जीवन की प्यास बुझी नहीं, ये अलग बात है कि मुझे एक बार जो तुम्हारा दर्श मिला, मुझे एक बार जो चिंगारी मिली, जो एक बार मंत्र मिला, जो एक बार एहसास हुआ, जो तुम्हारी आहट सुनी, वह आज तक मेरे सीने में याद है। यद्यपि यह दिल बहुत नाजुक है और मेरे दिल को थोड़ी सी ठेस भी अपने आप में बहुत बड़ी ठेस एहसास की जाती है, मगर फिर भी इसने इस जुदाई को, इस विरह की चोट को भी सहन किया है। इस बात का मुझे अफसोस नहीं है, इस बात का मुझे गर्व है, इस बात पर मैं फक्र करता हूं, इस बात पर मैं एहसास करता हूं कि वास्तव में ही मैंने तुम्हारी इस जुदाई को सहन किया है। दिल तो एक कांच की चूड़ी से भी नाजुक है, किस तरह इतनी बड़ी चोट को सह सका ये नहीं जानता, और मैं जानता हूं कि मैंने इस चोट को सहन किया है, मैं जानता हूं कि मैं इससे भी बड़ी चोट को सहन कर सकता हूं। ये तो तुम्हारी मेरी रस्साकसी है, तुम्हारी मेरी जिद है, ये तुम्हारे मेरे बीच का एक फासला है। मैं तुम अपनी जिद पर डटे हुए हो कि तुम नहीं आओगे, हर बार तुमने वादा किया आने का, हर बार तुमने उस वादे को तोड़ा है, वादा तोड़ने का तुम्हारा एक अदा है, और मेरी भी जिद है कि मैं इस वादे तोड़ने वाले के ऊपर एतबार करूं। हर बार तुम वादा तोड़ोगे, हर बार मैं तुम पर एतबार करूंगा और इस एतबार के सहारे ही तुम्हें पाऊंगा भी, निश्चित रूप से पाऊंगा। मैं तो ये जानता हूं कि तूने जो मुझे प्यास दी है वो प्यास बुझे ही नहीं, हर क्षण में इस प्यास में तड़पता हुआ आगे बढ़ता रहूं, हर क्षण में इंतजार की इस प्यास में डूबता हुआ चला जाऊं, हर क्षण में एहसास करूं कि मुझे तुमसे मिलना है, और इस तुम्हारे और मेरे खेल में मिलता ही क्या है, यह तो बिछुड़ना है और दर्द सहन करना है, दर्द सहन करना है और उस दर्द सहन करने में भी एक मस्ती लेनी है, एक आनंद लेना है, क्योंकि इसके पार जो कुछ है वो अपने आप में अद्वितीय है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। जब भी जिस दिन मैं आपके करीब आया, आपके करीब आने की कोशिश की, तब मैं समझ रहा था कि मौत मेरे करीब है, क्योंकि तुम्हारे करीब होने का मतलब है मौत के करीब होना। तुम मिलोगे नहीं और तुम्हारी दर्द, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी छटपटाहट मैं झेलूंगा, और बस ये छटपटाहट, ये बेचैनी, ये तकलीफ मौत ही तो है, यह हर बार वियोग और विरह के मैं अंदर जलना मौत से ज्यादा दुखदाई है। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जब तबीयत किसी पे आती है मौत के दिन करीब होते हैं, और जब तबीयत तुम पे आई तब मैं एहसास कर लिया था, तभी मैंने सोच लिया था कि मौत मेरे बहुत पास में आवाज कर रही है, क्योंकि तुम जिनके करीब होंगे वहां विरह होगा, तुम जिनके नजदीक जाओगे वहां बेचैनी होगी, वहां तड़प होगी, जुल्म सहकर जो उफ नहीं करते, जुल्म सहकर भी जो उफ नहीं करते उनके दिल भी अजीब होते हैं, तो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। और फिर तुम्हारे मेरे बीच जो एक नाता बना है, जो एक संबंध बना है, जो रिश्ता बना है, उसमें और मिलेगा भी क्या, इस विरह और इन आंसुओं के अलावा उसमें है भी क्या। आंसुओं से बातें लिखी होंगी, उच्छ्वासों के पन्ने लिखे होंगे, चुस्कियों के इसमें दिन और रात होंगे, इसमें कुछ नहीं मिलता है। बस इस बात का एहसास है कि हम खुश नसीब हैं कि आप मेरे करीब हैं। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, सैकड़ों गम नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। इस दृष्टि से तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि लोग एहसास करते हैं कि आप मेरे करीब हैं, क्योंकि मुझमें एक पागलपन है, एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, हर क्षण एक प्यास है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आतुर हूं, हर क्षण मेरे मन में एक चिंतन, एक भावना है कि मैं तुमसे मिलूं और आपसे मिल करके अपने आप को समाप्त कर दूं। मैं तो चाहता हूं कि जहां आप आए मैं अपने हृदय को बिछा दूं, दिल को बिछा दूं, ऐसा नहीं हो जाए कि आप आए और आपके पांवों को ठोकर लग जाए, ऐसा नहीं हो कि आप आए और आपको किसी प्रकार का जर्क हो जाए, वो तकलीफ हो जाए, मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मैं तो आपको कोमल और फूल से भी ज्यादा कोमल समझता हूं, बस एक बार आए तो सही, एक बार मुझे पास में आने का मौका तो दें, एक बार एहसास तो करने दें कि आप आ रहे हैं, आपकी आहट तो आए,
एक बार विश्वास करो कि आप आ रहे हैं, फिर आप देखिए कि मैं आपके लिए क्या करता हूं। ये बेजान चीजों की लिखी नुमाइश, ये गूंचे, ये कलियां, ये तारे हटा दो। जहां से गुजरना है उस महजबी को, वहां से मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। जहां आप आए, जिधर से आप गुजरे, जिधर से आपके पांव पड़े, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछे और उस धड़कनों पर आप पांव रखते हुए आए। मैं तो ऐसा चाहता हूं। जीवन की यही तो एक खुशकिस्मती है, यही तो बेचैनी है, यही तो चटपटाहट है जो आम आदमी नहीं समझ सकता। और उस आम आदमी को समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मुझे तो केवल जरूरत आपकी है, मुझे तो केवल आपको पाना है। मैं तो एक बार इस इम्तिहान को दे देना चाहता हूं कि आप मना करें और उसके बावजूद भी आप मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, मुझे अपनाएं, सीने से लगा दें, अपने आप को मुझसे भेंट कर दें, अपने आप को न्योछावर कर दें। जीवन इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। जीवन इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि हमने जीवन में क्या सिद्धियां प्राप्त की। जीवन इस बात का प्रमाण है कि हमने जो जीवन का लक्ष्य बनाया था वह हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। और हमारा लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, मिटा देना है। हमारा लक्ष्य तो आप हैं और केवल आप। इसके बीच में साधनाएं हैं, मंत्र है, तंत्र है, योग है, दर्शन है, मीमांसा है, भजन है, कीर्तन है, जो कुछ भी है मैं कोई भी सहारा लूंगा। और उस सहारा लेने में यदि लोग मुझे पागल कहें तो मैं पागल बनने को तैयार हूं। लोग मुझे दीवाना कहें तो मैं दीवाना बनने को तैयार हूं। लोग मुझे जिस नाम से भी पुकारे मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है, मुझे इस बात का कोई विचार नहीं है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। यह हो सकता है कि मर जाऊं, हो सकता है इंतजार करते करते क्षण ऐसा भी आए कि मैं समाप्त हो जाऊं, क्योंकि आपकी तरह तो है नहीं। मौत तो कहेगी और आएगी जरूर। ये तो आपकी एक अदा है कि आप कहें और नहीं आए, आप कहें और नहीं आए, ये आपकी एक चिंतन है, आपका विचार है। मौत तो जब कहेगी मैं आऊंगी तो आई जाती है। तुम न आओगे तो मरने की है 100 तरकीबें। अगर तुम न आओगे तो मरने की है 100 तरकीबें। मौत तुम्हारी तरह तो नहीं कि बुलाए और न आए। हम बुलाएंगे, मौत तो आ जाएगी, मगर मौत से पहले एक बार इन आंखों की प्यास बुझनी आवश्यक है, एक बार इन आंखों को तृप्ति मिलनी आवश्यक है, एक बार ये आंखें आपको देख लेना चाहती हैं। इसलिए मरते समय भी मैं एक ही बात उस कंधे ढोने वाले को, उस लाश ढोने वाले को, उस चिता पे आग लगाने वाले को कहूंगा कि तुम मुझे जरूर जला देना, मगर मेरी आंखें निकाल कर देना। हो सकता है कि बाद में वो आए, जरूर आएगा, आएगा उस समय। ऐसा नहीं हो कि वो लौट जाए, मेरी आंखें उस समय उसको देखे, ये तो मैं चाहता हूं, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरी भावना है, ये तो मेरा चिंतन है, क्योंकि मैंने जीवन में एक एक घूंट जहर पिया है। हर क्षण उस बेरह की, उस तड़प, उस बेचैनी की घूंट को मैंने एहसास किया है, उस जहर को पिया है और शान से पिया है, अदा से पिया है, मस्ती के साथ पिया है। मैंने इस बात का अफसोस नहीं किया कि ये जहर पी रहा हूं, मेरे चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं आई, मुस्कुराते हुए जहर पिया है। बढ़ती चली गई उम्र हर एक घूंट पर, हमने पिया है जहर भी इतने कमाल से। ये कमाल है मेरा कि मैंने आपको याद किया है और उस विरह और उस बेचैनी को एहसास किया है, और कहने के बावजूद भी, एहसास करने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखी है, बहुत कठिन है। लोगों ने मुझे पागल कहा है और उसके बावजूद भी मैं मुस्कुराता हुआ रहा हूं, बहुत कठिन है, मगर मैंने इस कठिनाई को भी पार किया है। आपने मुझे और मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, और इस बर्बादी में भी मुझे एक आराम मिला, एक सुकून मिला, एक जिंदगी की चाह मिली, मुझे एहसास हुआ कि कुछ मिला, आपकी तरफ से कुछ मिला, बर्बादी ही से। चाहे मिलन मिला, चाहे विरह मिला, चाहे आंसू मिले, चाहे उच्छ्वास मिले, चाहे बेचैनी मिली, चाहे तरफ मिली, चाहे एहसास मिला, चाहे बर्बादी मिली, मुझे अफसोस नहीं है, कुछ गम नहीं है, कुछ रंज नहीं है। मुझे इस बात का एहसास है कि आपकी तरफ से कुछ मिला तो सही, वसल से साथ किया, हिजर से नासाद किया, उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया, मगर किया तो जरूर,
क्योंकि तभी तो करना होता है जब उसके आंख में, उसके मन में, कुछ दिल में कोई बात होती है। तुम्हारे दिल में मैं था, इस बात का मुझे बहुत बहुत गरूर है, इस बात का मुझे बहुत फक्र है कि आपने कुछ सोचा और बर्बाद करने की कोशिश की मेरी जिंदगी को, मेरी धड़कन को, मेरी बेचैनी को, मेरी तड़प को। और मैं इन सारे चीजों को समेटता हुआ इस डगर पर बराबर बढ़ता चला गया, क्योंकि मुझे बढ़ना है, मुझे इस प्यास को बुझाना है। मैं उस जगह जाना ही है जहां मानसरोवर है, जहां पर एक छलछलाट करता हुआ पानी है, निर्मल शुद्ध नीर है, जहां मैं अपनी प्यास बुझा सकूं, आपके चरणों में पहुंच सकूं, अपने आप को समर्पित कर सकूं। क्योंकि ये बात तो निश्चित है कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तुम अपनी जगह बहुत अद्वितीय हो तो मैं भी अपनी जगह बहुत अद्वितीय हूं। अगर तुम अपने आप में साने शौकत हो तो मैं भी अपने आप में साने शौकत हूं। तुम एक रूप में अपने आप में महान हो तो मैं भी अपने एक रूप में महान हूं। मैं इसके बेनियाज हूं, तुम हुस्ने बेपनाह। मेरा जवाब है न तेरा जवाब, जवाब नहीं दुनिया में। तुम बिल्कुल बेमुरबत हो, इसका भी कोई जवाब नहीं है। और मैं तुम्हारे पीछे पागल हूं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। यह तो अपनी अपनी जिद है, अपनी अपनी तड़प है। देखा जाएगा कि आगे जिंदगी में क्या होगा, जो कुछ होगा। मगर इस बात का तो गर्व है कि जीतूंगा मैं ही, अवश्य ही मैं जो कुछ पाना चाहता हूं जरूर पाऊंगा ही। इसमें कोई दोष नहीं कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा स्वभाव अपने आप में अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मगर मेरी आंखें भी अपने आप में स्वभाव है, मेरी आंखें भी उसको देखना चाहती है, देखती है, और कोई उस तरीके से देख नहीं सकता जिस तरीके से मैं देखता हूं। मेरी निगाहें शौक भी कुछ कम नहीं, मेरी निगाहें शौक भी कुछ कम नहीं, मगर फिर भी तेरा स्वभाव, तेरा स्वभाव मैं जानता हूं। इस बात का तुम्हें गरूर है, मगर इस बात का मुझे भी गरूर है कि मेरी निगाहें भी अपने आप में बहुत ऊंचाई लिए हुए हैं, और उस सुंदरता को, आपकी सदा को, आपकी नाजुकता को, आपकी मुस्कुराहट को देखने में होशियार है, चतुर है, देख लेती है, अपने आप में बसा लेती है, देखा है, बसाया है। एक बार भी तुम बहुत जिद करके जा सकते हो, पांवों को मोड़ सकते हो, मगर मेरी आंख से निकल कर तुम दिखा दो तो मैं तुम्हारी बहादुरी समझू। जिस दिन तुम मेरे हृदय से निकल करके खड़े हो जाओगे उस दिन मैं समझूंगा कि वास्तव में तुम्हें जवा मर्दी है, तुम्हें ताकत है, क्षमता है, उस दिन मैं समझूंगा। आज तो तुम कुछ भी हाथ छुड़ा के खड़े हो सकते हो, आज तो तुम दो कदम पीछे हटके भी खड़े हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है मैं आवाज दूं, तुम नहीं आवाज दो,